प्रधानमंत्री पर बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। गुजरात में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पीएम का अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑक्रेंस। रावण वाले निवेदन पे मोदी जी ने यही कहा है कि मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूँ, खड़गे जी वही बोलते हैं जो उनको कहा जाता है। ठीक है, उनके विचार होंगे तो मैं उसमें गिरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसको इश्यू बना के आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, गरीबी है, इसको बुलाने के लिए आप इन लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बात बार बार अपने आप अपने निवेदन पर कहा है। मैं रावण एक बार जो बोलता हूँ वो ले लीजिए। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया, सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है, और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं, 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है, अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से ಸಮಾಪನ ಕರೆ ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ